हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो व्हाट इज रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या होता है? ओके, रोबोटिक्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दैट प्रोड्यूसेस मशीन्स कॉल्ड रोबोट्स। तो रोबोटिक्स क्या है? ये कॉम्बिनेशन है साइंस का, इंजीनियरिंग का एंड टेक्नोलॉजी का, जिसका यूज किस लिए किया जाता है? ऐसी मशीन्स प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रोबोट्स। फाइन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रोबोटिक फील्ड इज टू क्रिएट। जो एक रोबोटिक्स फील्ड है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है? इज टू क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स दैट कैन असिस्ट ह्यूमंस इन अ वैरायटी ऑफ वे। ओके, तो रोबोटिक का जो मोटो है, जो एम है, वो क्या है? वो ऐसी मशीन्स क्रिएट करना है, ऐसे रोबोट्स क्रिएट करना है जो ह्यूमन बींग्स को असिस्ट कर सके, मीन्स उनकी हेल्प कर सके उनके काम करने में। फाइन, उनके अलग अलग तरीके से ह्यूमन बींग की हेल्प कर सके। राइट, अ रोबोट इज बेसिकली अ मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वन और मोर टास्क ऑटोमेटिकली विद एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। ओके, तो रोबोट क्या होता है? रोबोट एक मशीन है, ओके, दैट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वन और मोर टास्क, जो जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है एक या एक से ज्यादा काम करने की ऑटोमेटिकली। मतलब वहां पे वो रोबोट जो मशीन है खुद से काम करती है। फाइन, विद एक्यूरेसी, एक कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ, एंड प्रेसिशन। प्रेसिशन क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर और एग्जैक्ट, क्लियरिटी के साथ, एग्जैक्टनेस के साथ। फाइन, अनलाइक अदर मशीन्स, अ रोबोट इज प्रोग्रामेबल, विच मीन्स इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जो दूसरी मशीन्स होती हैं, वो क्या होती है, उनको प्रोग्राम नहीं किया जाता। लेकिन रोबोट कैसी मशीन है? वो ऐसी मशीन है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है, ठीक है? और वो कैसे वर्क करता है? वो उस प्रोग्रामिंग को ही फॉलो करके काम करता है। प्रोग्रामिंग इज वॉट? इट इज द प्रोग्राम, जो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है, वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द स्टेप्स, और यू कैन से द कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ओके, तो रोबोट को प्रोग्राम किया जाता है, उसमें ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है, तो वो क्या करता है? उस प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके काम करता है। फाइन, रोबोट्स वर इनिशियली कॉन्सेप्चुलाइज्ड फॉर डूइंग रिपीटेटिव इंडस्ट्रियल टास्क। जब स्टार्टिंग में रोबोट्स को क्रिएट किया गया था, ओके, तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, क्या आइडिया था? कि ऐसी मशीन्स बनाई जा सके जो एक काम को बार बार कर सके। डेटा बोरिंग और स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन, जो ह्यूमंस के लिए क्या है, बहुत बोरिंग है एंड स्ट्रेसफुल है, और वर लेबर इंटेंसिव, और जिनमें बहुत ज्यादा लेबर चाहिए। फाइन, तो जो जो इनिशियल आइडिया था रोबोट्स क्रिएट करने का, वो ये था। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, रोबोट्स के अंदर किसका इंप्लीमेंट हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डाला गया, जिससे क्या है, रोबोट्स नाउ एबल टू बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। राइट, सेंसर्स आर वन ऑफ द प्राइम कंपोनेंट्स ऑफ अ रोबोट। तो रोबोट का जो प्राइम कंपोनेंट है, वो क्या है? सेंसर्स है। सेंसर्स क्या होता है? अ डिवाइस दैट डिस्कवर एंड रिएक्ट्स टू चेंजेस इन थिंग्स। मतलब एक ऐसा सेंसर क्या होता है, वो डिवाइस होता है जो क्या होता है, जो कोई भी अगर चेंज होता है, ओके, उसको सेंस कर सकता है। लाइक मूवमेंट को सेंस कर सकता है, हीट को सेंस कर सकता है, लाइट को सेंस कर सकता है। तो यहाँ पे रोबोट के जो जो मेन कंपोनेंट होता है रोबोट का, वो क्या होता है? सेंसर्स। ओके, ओके, रोबोट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। रोबोट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सच एज व्हील्ड रोबोट्स, जिसके अंदर व्हील्स होते हैं, लेग्ड रोबोट्स, जिन रोबोट्स के अंदर लेग्स होते हैं, मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं? वो रोबोट जो एक ही, या मशीन्स जो एक ही वर्क को बार बार कर सकती है, ओके, जिनका कैसी प्रोग्रामिंग की जाती है कि वो किसी भी टास्क को रिपीटेडली कर सकते हैं। फाइन, एंड ह्यूमेनाइज्ड, ओके, ह्यूमेनाइड्स कौन से रोबोट होते हैं? रोबोट्स जो ह्यूमंस जैसे दिखते हैं, ओके, विच लुक लाइक ह्यूमंस। फाइन, उनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमेनाइड्स। ओके, देन रोबोट्स आर बींग यूज इन इंडस्ट्रीज। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? इंडस्ट्रीज में आप रोबोट्स का यूज किया जाता है। जो मशीन्स होती हैं, जैसे वो मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया, जो एक ही काम को बार बार करती है, जैसे पैकिंग की मशीन्स हो गई, उनको क्या है? उनमें इस तरीके की प्रोग्रामिंग की गई है कि वो एक ही टास्क को रिपीटेडली कर सकते हैं। जैसे आप क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उसकी पैकिंग होती है, वो क्या होती है? मशीन्स के थ्रू होती है। ओके, सो दे आर लाइक रोबोट्स। ओके, मेडिकल साइंस में यूज होता है, बायोनिक्स में यूज होता है। बायोनिक्स क्या होता है? इट इज द साइंस ऑफ क्रिएटिंग आर्टिफिशियल सिस्टम्स और डिवाइसेस, ओके, दैट कैन वर्क एज पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे जो जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स डाले जाते हैं,
लोगों के अंदर, ओके okay? मतलब लोगों के जैसे उस वो किसके थ्रू मिल उसको उस पर्टिकुलर साइंस को हम बोलते हैं उन आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को जो जिस जिसकी जो स्टडी करके बनाया जाता है उसको बोलते हैं बायोनिक्स। तो यहाँ पे भी क्या मशीन्स का यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाने के लिए मशीन्स का यूज किया जाता है, फाइन। तो यहाँ पे बायोनिक्स में यूज होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में रोबोट्स का यूज किया जाता है, मिलिट्री में यूज किया जाता है, ओके। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नासाज मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन इज द रोबोटिक स्पेस मिशन टू स्टडी अबाउट द प्लेनेट मार्स, ओके okay, तो यहाँ पे जो नासा का मार्स रोवर मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन है वो क्या है, वो रोबोट्स की वो जो मिशन है जो वर्क करता है वो किसकी हेल्प से वर्क करता है, वो रोबोट्स की हेल्प से वर्क करता है। जहाँ पे वो किसका स्टडी कर रहे हैं, प्लेनेट मार्स की जो जितनी भी रिसर्च कर रहे हैं, ओके okay, वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, वो रोबोट्स की हेल्प से कर रहे हैं, फाइन। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। सोफिया इज अ ह्यूमनॉइड दैट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, फेशियल रिकॉग्निशन एंड ऑल्सो इमिटेट्स ह्यूमन जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे सोफिया क्या है, ह्यूमनॉइड रोबोट है, ओके okay, जो ह्यूमन जैसी है। वो क्या, वो किसका यूज करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज उसमें यूज किया गया है। विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, जो वो देखती है उसको प्रोसेस कर सकती है। फेशियल रिकॉग्निशन, वो चेहरों को पहचान सकती है। एंड ऑल्सो इमिटेट्स ह्यूमन जेस्चर्स, ह्यूमन जेस्चर्स को पहचान सकती है, फेशियल एक्सप्रेशन को पहचान सकती है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रोबोट। नाउ वी हैव ड्रोन विच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रोबोट, ओके। अ ड्रोन इज एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। अनमैन्ड मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी पर्सन, और ठीक है। तो यहाँ पे अनमैन क्या हुआ, यहाँ पे ड्रोन ऑटोमेटिक ड्रोन होते हैं जहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उसने कोई पर्सन कंट्रोल करे, ओके। इज एन अनमैन एयरक्राफ्ट विच कैन बी रिमोटली कंट्रोल्ड और कैन फ्लाई ऑटोनोमसली। ऑटोनोमसली क्या होता है, अपने आप से जो फ्लाई कर सके, ओके, थ्रू सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड फ्लाइट प्लान। जहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्रोन किससे कंट्रोल हो रहा है, सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हो रहा है। जहाँ पे क्या, उस सॉफ्टवेयर में किसको क्या यूज किया गया, फ्लाइट प्लान्स, ऑलरेडी फ्लाइट प्लान्स, फ्लाइट प्लान्स को यूज किया गया है। फ्लाइट प्लान्स मींस क्या होता है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन उस सॉफ्टवेयर में डाली गई है कि इस रोबोट को कहाँ से डिपार्चर करना है, कहाँ अराइवल पॉइंट है, क्या टाइम एस्टिमेटेड टाइम है, व्हाट इज द रूट, कौन सा रूट फॉलो करना है, ओके। तो ये सारा क्या है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लांट किया गया है, और उसकी हेल्प से क्या होता है, ड्रोन्स खुद से ऑटोमेटिकली दे कैन फ्लाई, ओके, इन देयर एम्बेडेड, ओके, फ्लाइट प्लान्स इन देयर एम्बेडेड सिस्टम वर्किंग इन कंजक्शन विद ऑन बोर्ड सेंसर्स एंड जीपीएस। तो ड्रोन इज लाइक अ रोबोट, ओके, दैट कैन वर्क इटसेल्फ। उसके अंदर क्या क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कंट्रोल फ्लाइट प्लान, सेंसर्स होते हैं, इट कैन सेंस द थिंग्स, एंड जीपीएस होता है टू सो दैट इट कैन डिटेक्ट द रूट, ओके। ड्रोन्स आर बींग यूज इन मेनी फील्ड सच एज जर्नलिज्म। ड्रोन्स का बहुत जगह यूज किया जाता है, जर्नलिज्म में उसका यूज किया जाता है, फिल्मिंग पिक्चर्स की फिल्मिंग के लिए, एरियल फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, ओके। आपने वेडिंग्स में भी देखा होगा, एरियल फोटोग्राफी के लिए ड्रोन्स का यूज किया जाता है, शिपिंग के लिए किया जाता है, और डिलीवरी एट शॉर्ट डिस्टेंसेज, छोटी छोटी डिस्टेंसेज पर डिलीवरी के लिए भी यूज किया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में ड्रोन का यूज किया जाता है, सर्च में भी किया जाता है, जैसे बिकॉज दे हैव कैमराज ऑल्सो, ओके। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ड्रोन का यूज किया जाता है। हेल्थ केयर, ज्योग्राफिक मैपिंग, ज्योग्राफिक मैपिंग क्या होता है, ये रो डेटा कलेक्ट करता है ड्रोन, उसकी हेल्प से मैप्स बनाए जाते हैं, ओके। तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मैपिंग। इंस्ट्रक्चर सेफ्टी इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के लिए भी ड्रोन का यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर एंड वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, ओके, बेसिकली इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है वो मॉनिटरिंग का है। बिसाइड्स लो एनफोर्समेंट एंड बॉर्डर पेट्रोलिंग, बॉर्डर पे पेट्रोलिंग के लिए भी ड्रोन्स का यूज किया जाता है, ओके, टू लुक आफ्टर द बॉर्डर, वहां पे पूरा देखने के लिए कि एवरीथिंग इज फाइन, वहां पे ड्रोन्स का यूज किया जाता है, राइट। तो दिस इज रोबोटिक्स। ओके चिल्ड्रेन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। टिल देन कीप स्टडिंग, बी सेफ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज।